एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो टॉप पे बैठा था एक दिन यू ही मर गया डज दैट इवन मेक इन सेंस वेल नॉट फॉर मी मुद्दे पे आते हैं अब तक आप सभी को पता तो लग ही गया होगा हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक्स जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे रीजन एक हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें उनके साथ बारह लोग और मारे गए थे इंक्लूडिंग हिज वाइफ अफकोर्स यह भयंकर सा इंसिडेंट कोई इंडियन भूल नहीं सकता बट होपफुली आप कुछ परसेंट रिकवर कर ही लिए होंगे अभी उठता है क्वेश्चन क्या ये श्रेणी के हेलीकॉप्टर इतने अनसेफ होते हैं भाई एक वीवी आई पी चौपर था ऐसे कैसे क्रैश हो गया फिर थोड़ा और रिसर्च करने पे पता चला सेम इंसिडेंट दो हजार में ताइवान के सी डी एस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ भी हो चुका है उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने सी डी एस बिपिन रावत जी का क्रैश हुआ है शक करने वाला बात तो है गाइस इफ यू रिमेम्बर ये घटना होने से पहले उन्होंने चाइना के खिलाफ काफी कुछ आवाज उठाया था ख बिकॉज ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉर्म फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इवेंट चॉपर क्रैश होने के बाद भी वो बहुत टाइम तक जिंदा थे अकॉर्डिंग टू जिसने उन्हें रेस्क्यू किया वो कहते हैं आउट ऑफ थर्टीन मेंबर्स वो सिर्फ दो ही लोगों को जिंदा निकाल पाए उनमें से एक पिपिन रावत जी थे चॉपर के क्रैश होने के बाद बहुत टाइम तक तो उन्हें इवेक्एट किया ही नहीं जा सका एज ए रिजल्ट जब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचे हमारे सीडीएस उसी मलबे के अंदर दबे थे बहुत बुरी हालत में ये भी बताऊंगा चाइनीस कितने ही इंसेंसिटिव हो सकते हैं मतलब हमारे सी के मरने पे वो लोग क्या कुछ नहीं लिखे अपने ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल्स में जो एस वी ऑल नो अपने सरकार के बिहाफ में लिखते हैं सो so, ये एक सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा और आपका काम इधर बस एक के बाद एक वीडियो पे क्लिक करते जाना है जैसे की ये वीडियो अभी शो हो रहा है क्लिक इट फास्ट अंटिल